डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान का उद्घाटन के साथ ही 29वीं सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में खेली जा रही ये चैंपियनशिप विद्याधर नगर स्टेडियम के नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान पर आज से 17 अक्टूबर तक खेली जाएगी। इससे पहले स्टेडियम पहुंची डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने पहले किक से साथ ही टूर्नामेंट के पहले मैच की आधिकारिक शुरुआत की। इस दौरान खेल विभाग के शासन सचिव नीरज पवन भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि उनका लक्ष्य विद्याधर नगर स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना है। विद्याधर नगर स्टेडियम का फुटबॉल मैदान अब फीफा से मान्यता प्राप्त है। बहुत बहुत आगे के लिए बहुत कुछ स्टेडियम में प्लान है। मैंने अभी हमारे नीरज जी को कहा कि यहाँ पर हमको बहुत डेवलपमेंट करना है, बहुत इसको वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का काम करना है। और विद्याधर, क्योंकि विद्याधर नगर मेरा ही क्षेत्र है, तो यहाँ पर सब लोग, बहुत सारे यूथ हैं, सब लोग बहुत स्पोर्ट्स माइंडेड लोग हैं। और स्पोर्ट्स मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ना केवल एक रुचि, आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सबको धन्यवाद।